Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about light, that light travel in a straight line, reflection of light. What do you mean by reflection of light? The phenomenon of sending back the light rays that fall on the surface of an object is called reflection of light. Right? उसके बाद हमने देखा था plane mirror में reflection कैसे होता है उसके बारे में. फिर हमने कुछ वर्ड्स देखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, राइट? ये इंसिडेंट रेज है, जहाँ पे प्लेन होते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, और यहाँ पे प्लेन मिरर की सरफेस है, और जो बीच में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है वो है नॉर्मल, राइट? टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रियल एंड वर्चुअल इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. सबसे पहले देखते हैं रियल इमेज. रियल इमेज मीन्स जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट? The image that can be obtained on a screen is called real image, right? Like image है जो actress and actors का जो image होता है, right? जो screen पे आता है cinema hall में, वो कौन सा image है? Real image. A real image is always inverted. Real image होता है वो always inverted होता है. It is formed on the same side of the mirror, और वो mirror की same side हमें मिलता है, right? जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो हमें मिरर की सेम साइड मिलेगा. वेयर एज ऑब्जेक्ट इज ब्लेस्ड, द इमेज ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ऑन अ स्क्रीन इन सिनेमा हॉल आर रियल इमेज, राइट? तो आपको समझ में आया, जो इमेज हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं वो रियल इमेज है, वो इन्वर्टेड होता है और वो मिरर की सेम साइड हमें मिलता है. नेक्स्ट वन, वर्चुअल इमेज. The image that cannot be obtained on a screen is called virtual image. जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं उस इमेज को बोला जाएगा वर्चुअल इमेज. लाइक प्लेन मिरर में हम हमारा फेस मिरर में देखते हैं, राइट? प्लेन मिरर में देखते हैं तो उसका इमेज हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, राइट? वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट या अपराइट. वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है, अपराइट होता है. इट ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और ये जो इमेज है वो हमें बिहाइंड द मिरर मिलेगा. आप अपना फेस देखते हो तो हमें ऐसा लगता है ना कि वो मिरर की अंदर साइड मिल रहा है, राइट? आवर इमेज इन अ प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज, राइट? तो जो हमारा इमेज प्लेन मिरर में मिल रहा है, राइट, वो कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में जो इमेज मिलता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? फर्स्ट वन, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ अ सेम साइज एंड शेप एज ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सेम साइज का एंड सेम शेप का इमेज मिलेगा, राइट? सेकेंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. वो वर्चुअल होगा, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, एंड वो इरेक्ट होगा मीन्स सीधा होगा. नेक्स्ट, लैटरली इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो लैटरली इन्वर्टेड मिलता है, राइट? आपने सिक्स स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा, लैटरली इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट वाला पोर्शन राइट दिखता है, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट दिखता है, ओके? एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट. और ये क्या है? मिरर है. मिरर के जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ये यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो मिरर की बिहाइंड जो आपको इमेज मिलेगा वो भी 6 सेंटीमीटर का होगा. इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होगा, राइट? नेक्स्ट वन, स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मीन्स जो मिरर है उसकी जो सरफेस है वो कर्व्ड होती है, राइट? जो पॉलिश सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, उसको स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर बोला जाएगा. ऑल द मिरर आर नॉट स्ट्रेट लाइक प्लेन मिरर. सारे मिरर प्लेन मिरर की तरह स्ट्रेट नहीं होते हैं. इवन द पॉलिश्ड एंड स्मूथ कर्व्ड सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर, बट पॉलिश एंड पॉलिश मीन शाइनी सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस भी मिरर की तरह वर्क कर सकती है, राइट? सच मिरर आर कॉल्ड कर्व्ड मिरर. और ऐसे टाइप के जो मिरर है उसको कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर बोला जाएगा. अ स्फेरिकल मिरर इज द मिरर वो स्मूथ एंड पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड. जो स्फेरिकल मिरर होता है उसकी जो स्मूथ एंड जो पॉलिश्ड सरफेस होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कर्व्ड होती है, राइट? इसलिए उसको कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर बोला जाएगा. स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप. वो टू टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर, राइट? तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाएगा, राइट? सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर. अ स्फेरिकल मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ कर्व्ड इनवर्ट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर.
जो स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड होती है, देखो ये राइट, ऐसे आप स्पून लो तो स्पून की जो इनर साइड है, इन्वर्टेड पोजीशन है राइट, जो इनर साइड है वो कौन सा मिरर बोला जाएगा, उस टाइप का जो सरफेस होता है उसको कॉनकेव, राइट, उसको कॉनकेव मिरर बोला जाएगा जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे इनवर्ड साइड होती है राइट। इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर, उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाएगा। इट हैज़ अ रियल फोकस राइट। इन दिस काइंड ऑफ मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस बेंट इन द सरफेस ऑफ अ मिरर। ये टाइप के जो मिरर है जिसका लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो जो बेंट सरफेस होती है वहाँ पे होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो फोकस है वो सिंगल पॉइंट पे होगा राइट। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, मीन्स वो सबको एक साथ लेके यहाँ पे कन्वर्ट होगा, एक फोकस पॉइंट बनेगा राइट। नेक्स्ट वन है कॉन्वेक्स मिरर। अ स्फेरिकल मिरर वुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे होती है, देखो बाहर की साइड राइट, जो आउटवर्ड साइड होगी राइट, तो ऐसे टाइप के मिरर को क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर। ऐसे टाइप के मिरर को क्या बोला जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर, बिकॉज यहाँ से जो रेज आएंगे वो क्या होगा, सारे रेज डाइवर्ट हो जाएंगे राइट, एक फोकस पॉइंट, सिंगल फोकस पॉइंट नहीं बनेगा। इन दिस काइंड ऑफ मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस, मीन्स ब्लजिंग आउट सरफेस, ये देखो ब्लजिंग आउट सरफेस है राइट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको एक टेनिस बॉल लेना है, उसको कट करना है राइट। उसको कट करोगे, टेनिस बॉल की जो इनर साइड होगा वो कॉनकेव सरफेस की तरह वर्क करेगा राइट, एंड कॉन्वेक्स सरफेस मीन्स जो बाहर का सरफेस है राइट। तो ऐसे ही कर्व्ड मिरर में जो अंदर की साइड जो सरफेस है, ऐसे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इनर साइड, वो कॉनकेव मिरर होता है, और जिस मिरर जो कर्व्ड सरफेस जिसकी बाहर की साइड होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऐसे ब्लजिंग आउट वाली सरफेस होती है, उसको कॉन्वेक्स सरफेस बोला जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी थ्री, टू स्टडी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई स्मूथ कर्व्ड सरफेस लाइक थिंग्स नीडेड। उसके लिए क्या चाहिए, स्टेनलेस स्टील स्पून एंड फाइन मसलिंग क्लॉथ राइट। आपको क्या करना है, देखो हमें एक स्पून लेना है, स्पून को हमारा एग्जैक्ट उसको क्लीन करके राइट मसलिंग क्लॉथ से एग्जैक्ट हमारे फेस के सामने रखना है। जैसे आप फेस के सामने रखोगे तो हमारा इमेज है वो इरेक्ट एंड एनलार्ज, बड़ा वाला मिलेगा राइट। अभी क्या करना है, उसको हमारे फेस से थोड़ा दूर करना है। जैसे आप स्पून को हमारे फेस से दूर करोगे इमेज इन्वर्टेड होता जाएगा एंड एनलार्ज होगा। फिर फर्दर आपको दूर करना है राइट, फर्दर आपको स्पून को हमारे फेस से दूर करना है राइट, तो हमारा फेस स्टिल इन्वर्टेड रहेगा बट साइज क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी राइट। तो ये कौन से सरफेस है कॉनकेव सरफेस लाइक, ये कॉनकेव सरफेस की तरह, कॉनकेव मिरर की तरह वर्क करेगा। फिर स्पून को उल्टा कर देना है और बाहर की साइड हमारा जो फेस का इमेज है वो हमें देखना है राइट। तो वो इमेज हमें कौन सा मिलेगा, कैसा मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा एंड स्मॉल साइज का मिलेगा। फिर क्या करना है आपको, आपको फेस से स्पून को दूर लेके जाना है बट सरफेस यही रहनी चाहिए राइट, जो पीछे वाली सरफेस है वही रहनी चाहिए, वो कॉन्वेक्स सरफेस की तरह वर्क करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह वर्क करेगा राइट। जैसे आप अपने फेस से ये स्पून आप दूर करोगे राइट, अपने फेस से दूर लेके जाओगे तो इमेज है आपके फेस का वो क्या होगा, फर्दर डिस्टेंस आप बढ़ा होके तो इमेज है वो डिमिनिस्ड हो जाएगा, इमेज इरेक्ट रहेगा, डिमिनिस मीन्स बहुत छोटा हो जाएगा और एक पॉइंट आएगा कि आपको इमेज आपका दिखेगा ही नहीं राइट। कंक्लूजन, इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन मिलता है, देर इज अ चेंज इन पोजिशन। जैसे आप पोजिशन चेंज करोगे, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज जो फॉर्मेशन होता है राइट, जो स्मूथ कर्व्ड सरफेस से, वो पोजिशन जैसे आप ऑब्जेक्ट की चेंज करोगे वैसे ही उसकी साइज एंड नेचर चेंज हो जाता है राइट। तो आपको समझ में आया नहीं ये टर्म्स एंड स्फेरिकल मिरर के बारे में राइट। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉनवेक्स। नेक्स्ट है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे राइट।